अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज सबको मालूम है एंट्रेंस का टाइम आ गया है। तो आज वही हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि विंग्स एकेडमी 5 मार्च को ऐसा क्या ला रही है जो कि आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आपकी 11th एंट्रेंस की, उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है इस बैच से। ठीक है, तो आइए इसी बैच के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक बैच हम लोग एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं 5th मार्च से 11th एंट्रेंस का। ठीक है, 5th मार्च से बिल्कुल सबसे पहली बात ये डेट ही आपको याद रखनी है, 5 मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 11th एंट्रेंस के लिए। और ये जो बैच है बेटा हिंदी मीडियम में है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए बैच अवेलेबल रहेगा। इस बैच की कुछ फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो असल में विंग्स एकेडमी की पूरी टीम ने इस तरीके का सिस्टम जनरेट करने की कोशिश करी है कि जो कि बच्चे का रिजल्ट फ्रूटफुल बना सके। ठीक है, क्योंकि हमारा मानना, हमारी पूरी टीम का मानना यह है कि बच्चे को इस तरीके से तैयार किया जाए कि वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर पाए और अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करने के साथ साथ बेस्ट रिजल्ट दे सके। ठीक है, और डेफिनेटली सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं टेस्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस आप प्रॉपरली करोगे, क्लासेस के जो डाउट्स है उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। बट आफ्टर क्लास क्या टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो टेस्ट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि टेस्ट आपका एक्चुअल एनालिसिस करता है, और एनालिसिस भी किस तरीके से हम लोग करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टेस्ट का जो पैटर्न है, हमने 3 पैटर्न्स बनाए हैं आपके, मतलब इस पूरे टेन्योर में, इस पूरे प्रोग्राम में आपको 3 तरीके के टेस्ट देने होंगे। द फर्स्ट वन इज माइनर टेस्ट, द सेकेंड वन इज मेजर टेस्ट, एंड द थर्ड वन इज मॉक टेस्ट। ठीक है, मतलब आपको जब कम सिलेबस मिलेगा अपने शेड्यूल में तो उस टेस्ट को हम लोग माइनर टेस्ट बोलने वाले हैं। जब आप एक बड़े सिलेबस को डील करोगे या आपके टेस्ट में बड़ा सिलेबस आएगा, अराउंड 15 डेज और 20 डेज और या 30 डेज वाला सिलेबस जो आएगा, जो आपने 30 डेज में पढ़ा होगा, दैट टेस्ट विल बी नोन एज मेजर टेस्ट। और जब हमारे ऐसे कंटिन्यूअस टेस्ट चलते रहेंगे जिसमें के बहुत से टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें आपका सिंगल चैप्टर भी आ रहा होगा, और बहुत से टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें आपके मल्टीपल चैप्टर्स आ रहे होंगे, तो वो टेस्ट करते करते जब हमारी जर्नी कंप्लीट होगी, अपना सिलेबस कंप्लीट होगा, देन दैट इज द इंपॉर्टेंट वन, दैट इज मॉक टेस्ट। उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, यानी कि पूरे पूरे सिलेबस का टेस्ट करेंगे। और बिलीव मी, अगर आप इन टेस्ट पैटर्न की स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते हो, मैं तो इनफैक्ट कहूंगा पूरे सिस्टम को आप अच्छे से अगर फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना तय हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, टेस्ट दिया आपने, टेस्ट के बाद आपका रिजल्ट आया। जब हम लोग अपनी प्रिपरेशन करते थे, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत था, बट उस टाइम का सिस्टम ये था, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि वो सिस्टम क्या था। तो जब हम लोग अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते थे तो हमारे जो है ना 100 में से 65 मार्क्स आए या 70 मार्क्स आए या 75 मार्क्स आए, ऐसे पता चलता था। ठीक है, वी डोंट नो कि हमने फिजिक्स में कैसा किया, केमिस्ट्री में कैसा किया, बायोलॉजी में कैसा किया, इंडो जीके कैसा रहा, कुछ नहीं पता होता। ठीक है, ना ही कुछ आंसर की के बारे में आइडिया होता है, ना ही हम कोई क्वेश्चन को क्लेम कर सकते थे, मतलब वी डोंट हैव एनी राइट एट दैट टाइम। बेसिकली हमने टेस्ट दिया एंड उसके बाद हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आ जाता था, और उसके बाद हम लोग को सीधा एक्सेप्ट करना होता था कि दैट वी गॉट 65 मार्क्स और 70 मार्क्स। अब वो टाइम चेंज कर हो गया है, टाइम चेंज हो गया, तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी भी चेंज होनी चाहिए। तो उसी के अंदर जो हमने चेंज करा है वो ये है बेटा कि जब आपका टेस्ट होगा, इधर वो टेस्ट माइनर हो, मेजर हो या मॉक हो, ठीक है, कोई सा भी पैटर्न का टेस्ट होगा, जिस दिन टेस्ट होगा उसके साथ साथ आपको जब आप यहां से अपना इंस्टीट्यूट छोड़ के जा रहे होंगे तो आपको आंसर की मिल जाएगी। आप उस आंसर की को अपने घर पे जाके एनालाइज करोगे, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है उस आंसर की में, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। वहां पर आपको नंबर दिया जाएगा जहां पर आप उस क्वेश्चन को क्लेम में डाल सकते हैं, हमारी फैकल्टी उस क्वेश्चन को पढ़ेगी, समझेगी, और अगर वो क्लेम वाकई सही है तो वो आपका क्वेश्चन ओमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको ये माइंडसेट करा रही है कि जी क्वेश्चन गलत भी आ सकता है, और आपको एमयू में भी राइट है क्वेश्चन क्लेम करने का, और यहां पर भी वो राइट आपको दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट में क्या होता है कि आपका चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका इंडो हो, चाहे आपका जीके हो, उन सब में हम लोग आपको बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। इस तरीके से एनालिसिस चार्ट बनेगा, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करे, कितने उस अटैम्प्टेड क्वेश्चन में से आपके करेक्ट हुए, कितने आपने रॉन्ग करे और कितने मार्क्स आए। अरे बात समझ में, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि मैंने अगर तुक्के मारे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन तुक्के मारे हैं,
तो वो तुक्के इंपॉर्टेंट है नहीं है, या तुक्के की एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, या कितने एक्यूरेट मैंने तुक्के मारे, मतलब एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है जो कि ये एनालिसिस चार्ट आपका करेगा डेफिनेटली। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये एनालिसिस चार्ट आपको थ्रू आउट बताता हुआ चलेगा कि मेरे दोस्त फिजिक्स में काम करना है तुमको, या केमिस्ट्री में काम करना है तुमको, या मैथ्स में काम करना है तुमको, या कौन सा पोर्शन तुम्हारा वीक चल रहा है। ये चीज़, ये एनालिसिस चार्ट हमारी फैकल्टी को भी क्लियर होगा कि किस बच्चे का क्या वीक है, बिकॉज वी डोंट बिलीव कि आगे बैठे हुए 4-5 बच्चे हमारे लिए सिर्फ रिजल्ट्स हैं, बाकी सब मैटर नहीं करते। ऐसा विंग्स एकेडमी की किसी भी टीम के किसी भी मेंबर का एटीट्यूड नहीं है, किसी भी टीचर का ऐसा एटीट्यूड नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट बेंच पे बच्चा जो बैठा है वो जिस पोटेंशियल पे काम कर रहा है, वही हमारा लास्ट बेंच का बच्चा उस पोटेंशियल पे काम करे। और शायद यही वजह है कि विंग्स एकेडमी ईयर टू ईयर अपने रिजल्ट परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन को बढ़ा रही है, और इनफैक्ट रैंक्स को बढ़िया कर रही है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये आपको एनालिसिस चार्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मसला ये होता है कि हमारे साथ बहुत सारे बिहार के बच्चे जुड़े हुए हैं अपने, वो बिहार से आए हुए, उनके पेरेंट्स बिहार में, बट बच्चा यहाँ पर आके पढ़ाई कर रहा है। तो वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, बिकॉज डेफिनेटली एक कहते हैं ना कि पेरेंट्स अपने सीने पे पत्थर रख के बच्चे को भेज रहे हैं, और बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ नहीं पता चल रहा। तो उस मसले को भी यहाँ पे सॉर्ट आउट किया गया है। यहाँ पर विंग्स एकेडमी ने अपनी एक ऐप बनाई है, जो ऐप उन पेरेंट्स को डाउनलोड करवा दी जाएगी। इनफैक्ट वो लोकल गार्जियंस भी डाउनलोड कर सकते हैं, लोकल पेरेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली इट इज इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो कि आपके बाहर है पेरेंट्स, ठीक है। उन लोगों को ऐप डाउनलोड करा दी जाएगी, ऐप को किस तरीके से फंक्शन करना है, किस तरीके से रन कराते हैं, वो सब उनको बता दिया जाएगा। और वहां पर उस विंग्स एकेडमी की ऐप पर वो अपने अपने बच्चों की परफॉर्मेंस, उनके रिगार्डिंग कोई नोटिस है, वो सब कुछ बता कर सकते हैं उस ऐप के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर पेरेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी होती बहुत जरूरी है, बिकॉज ये रिजल्ट सिर्फ बच्चे के मेहनत से नहीं, ये रिजल्ट बच्चे हमारी और पेरेंट्स की, यानी कि इन लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से रिजल्ट बनता है, ठीक है, हम लोग का ये मानना है। इसके बाद मतलब एप्लीकेशन फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स यहां पर बच्चे का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, और बच्चे के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब यार डाउट्स जो होते हैं, डाउट्स बहुत खतरनाक बीमारी है, मतलब इसको कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज है। क्यों कम्युनिकेबल है? डाउट कभी भी ऐसा नहीं होता, या आप लोग अब इतने बड़े बच्चे हो समझने के लिए समझ सकते हो कि आपका अगर फिजिक्स बुरा सब्जेक्ट है, आपको लगता है फिजिक्स इज द बैड सब्जेक्ट या वर्स्ट सब्जेक्ट, तो ऐसा इसलिए होता है कि डाउट एक डाउट जो होता है वो एक डॉट होता है, सिंपल ऐसे समझो। इस डॉट की प्रॉपर्टी होती है कि बहुत स्पीड में अपने आप को बड़ा करता जाता है साइज में, और वो डाउट एक शब्द का डाउट, एक टॉपिक का डाउट बन जाता है, एक टॉपिक का डाउट एक चैप्टर का डाउट बन जाता है, और अगर आप उसको रिजॉल्व नहीं करते हो तो वो अल्टीमेटली एक सब्जेक्ट डाउट बन जाता है। तो इस डाउट को इंपॉर्टेंस देते हुए, इट्स डाउट्स को प्रायोरिटी देते हुए, हम लोग आपको देते हैं ड्यूअल टीचर सपोर्ट। सर ये क्या है ड्यूअल टीचर सपोर्ट? ड्यूअल टीचर सपोर्ट ये है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो और एक टीचर और आपको दिए जाएंगे, आपके लिए अवेलेबल होंगे, जो कि आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। आ रही है बात समझ में? अगर आपको किसी टीचर का डाउट ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप उससे लो, अगर आपको डाउट टीचर दी बेस्ट है, मसला ये होता है कि आपकी उनसे के साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ड्यूअल सपोर्ट मिलेगा आपको डाउट्स के लिए टीचर का, और डाउट्स के लिए मैं आपको बता दूं, हर क्लासेस के बाद अराउंड 15 मिनट्स बेटा आपको दिए जाएंगे, जहां पर आप पर्सनली अपने टीचर के साथ डाउट रिजॉल्व कर सकते हो। स्टिल अगर आपके डाउट्स रिजॉल्व नहीं हुए, या आपके डाउट्स बाद में पढ़ने की वजह से आए, या बाद में पढ़ने में आए, तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो, टीचर आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, और टीचर आपको चाहे 1 घंटा दें, चाहे 2 घंटे दें, या 5 घंटा दें, वो तब तक देंगे जब तक आपके डाउट्स रिजॉल्व नहीं हो जाते। तो डाउट्स के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आपको क्वेश्चन बैंक देते हैं। आपने क्लास अटेंड करी, क्लास में आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपने क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे मिलके, उसके बावजूद आपके क्वेश्चंस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, आपके क्वेश्चंस को सही करने की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, यानी कि मैं बात करूं एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब आप एक ही टॉपिक के ऊपर 8-10 सवाल कम से कम देखोगे एक ही टॉपिक के ऊपर, तो डेफिनेटली वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल राइज कराएगा, और
दूसरी चीज आपका सोचने की सलाहियत इंप्रूव होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक रहेगा, उसके बाद हर 15 दिन पे ये मेंटोर टीचर आएंगे और ये मेंटोर टीचर आपकी क्लास लेंगे। अब ये मेंटोर टीचर क्या करेंगे सर, फिजिक्स तो एक टीचर ने संभाल ली, केमिस्ट्री दूसरे टीचर ने संभाल ली, बायोलॉजी एक टीचर ने संभाल ली, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता दूं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है और तीनों के हमने अलग अलग टीचर्स दे रखे हैं, ताकि फिजिक्स एक्सपर्ट अपने फिजिक्स एक्सपर्ट आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री एक्सपर्ट केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायो एक्सपर्ट बायो पढ़ाएंगे। क्योंकि आई पर्सनली फील अगर मेरे को फिजिक्स पसंद है और मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ रही है, तो क्या मैं उस लेवल का इंटरेस्ट लूंगा जो मैं फिजिक्स में लेता था? तो आंसर है नो, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपना सब्जेक्ट संभालेगा, तो डेफिनेटली वो क्लास भी इंटरेस्टिंग बनेगी और वो कॉन्सेप्ट भी बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनेंगे, जो कि हमारा प्राइम टारगेट है, ठीक है। आते हैं मेंटोर टीचर पे, तो मेंटोर टीचर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, बट द मेंटोर टीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। क्यों? वो आपको एथिक्स बताएंगे, क्या होते हैं एथिक्स, पेरेंट्स की वैल्यूज क्या होती हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो बताएंगे। आपके नंबर खराब आ रहे हैं या नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो नंबर अच्छे वालों को तो अप्रिशिएट कोई भी कर देगा, नंबर खराब वालों को गाइड करेंगे वो कि आपको बेटा इस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, आपको बेटा किस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, वो सब चीजें हमारे मेंटोर टीचर का सपोर्ट रहेगा आपको, ठीक है। बेसिकली मेंटोर टीचर इज सॉर्ट ऑफ मम्मी इन दिस कोचिंग। कहते हैं ना कि बेटा तेरे को क्या हो गया, चोट नहीं, क्या परेशान है, क्यों परेशान है, तू गिर गया तो फिर उठ, ये सारे काम आपको मेंटोर टीचर कराएंगे। मतलब घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी अच्छाई, आपके आपका डाउनफॉल, आपका राइज, सब सारे टीचर्स के सामने रहेगा, सारे टीचर्स का उसमें सपोर्ट रहेगा, और दी बेस्ट सपोर्ट आपको मेंटोर टीचर का रहेगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये मेंटोर टीचर का काम होगा, और बाकी बहुत सी चीजें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए, इस बैच में डिस्कस करने के लिए, जो कि आपको यहां पर आके पता चलेगी। 5 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं, बच्चे एनरोल कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में बैच रहेगा बेटा। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, आप टाइम यूटिलाइज करो, क्योंकि डेट आ चुकी है 11th एंट्रेंस की, नॉक नॉक कर चुकी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो आपको अब ध्यान देना है तैयारी पे। तो 5 मार्च आपकी बैच स्टार्टिंग डेट है, एडमिशन ओपन है, कोई भी क्वेरी है आपको मैं नंबर दे दूंगा, आप वहां पे क्वेरी ले सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे क्वेरी ले सकते हैं नंबर पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।